अगर आपको हार्ले एक्स 440 पसंद है लेकिन 3 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहते हैं, देन आई हैव अ ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको हार्ले एक्स 440 का परफॉर्मेंस और हैंडलिंग पसंद है लेकिन आप हार्ले पे डीलरशिप नेटवर्क पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, देन गाइज आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। प्रेजेंटिंग हीरो मैवरिक 440 जो बेस्ड है हार्ले एक्स 440, सेम इंजन सिमिलर टाइप के मैकेनिकल्स के साथ आते हैं, लेकिन बेस वेरिएंट 40,000 रुपये सस्ती और टॉप वेरिएंट लगभग 50,000 रुपये सस्ती। आज हम इसे चलाने आ पहुंचे हैं भुज इन गुजरात, हाईवे टेस्ट करेंगे, माइलेज बताएंगे कितना देती है हीरो की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल। आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक, मैं हूं अनिर्बान और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ खूबसूरत लोकेशन इन एंड अराउंड कच्छ। और यहाँ पे मैं ट्रिप अभी इसको रीसेट कर देता हूँ, ट्रिप ए 00 हो चुका है, ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों मैंने 00 कर दिया और एक ब्रांड न्यू गाड़ी है। ओडोमीटर रीडिंग ओनली 74 किलोमीटर। चलिए फुल टैंक कराते हैं, ऑलमोस्ट तेल फुल होगा बट सर माइलेज टेस्ट एकदम टॉप तक करा लेते हैं। भैया टॉप तक कर दो, बस भर चुका है पूरा। हाँ और थोड़ा दो और थोड़ा दो, एकदम टॉप तक भर चुका है। देखिए लेट्स हिट द रोड। दो लाख की कीमत पे शुरू होती है, 440 सीसी का इंजन दिया गया है, मतलब कंपटीशन रॉयल एनफील्ड क्लासिक की तरफ, जावा नई 350 की तरफ और होंडा की जो हाईनेस आती है उसके तरफ इशारा हो रहा है हीरो का विद दिस मोटरसाइकिल। कैसी है चलाने में, इससे पहले कुछ नंबर्स आपकी तरफ मैं फेंक मारता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वाइज लगभग 90 से 100 सीसी ज़्यादा है देन ऑल द मोटरसाइकिल आई मेंशनड। और वहीं पावर फिगर की बात करें तो इसमें मिलता है 27 हॉर्स पावर, कंपैरिजन में बाकी सारी गाड़ियों में आपको 25 या 25 के नीचे मिलता है। वहीं टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, वहीं बाकी सारी गाड़ियों में टॉर्क 30 न्यूटन मीटर से नीचे का है। 6-speed ट्रांसमिशन मिल जाएगा स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ, जो दूसरी गाड़ियों में कुछ कुछ में है कुछ कुछ में नहीं है। व्हीलबेस की बात करें तो सारी गाड़ियों से यहाँ पे टाइट व्हीलबेस देखने को मिलेगा 1388 mm का। और वेट की बात करें तो दिस इज द लाइटेस्ट, मतलब पावर टू वेट रेशियो में यह है एक धमाकेदार। सो दैट वाज द ऑन पेपर स्पेक शीट फॉर द हीरो मैवरिक, लेकिन ये रियल लाइफ में कैसे ट्रांसलेट करती है चलिए आपको बताते हैं। अब इस इंजन को हार्ले के साथ को डेवलप किया गया, एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, एग्जॉस्ट नोट और थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, एक बार आप सुन लीजिए। अब लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, आपको पावर और टॉर्क ढेर सारा मिल जाएगा लो आरपीएम से। कंपनी का कहना है 90% ऑफ द टॉर्क इज अवेलेबल फ्रॉम 2000 आरपीएम के बैंड से, मतलब जब आप सिटी में चला रहे हैं आपको बहुत ज्यादा हाई बैंड पे जाने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा सा थ्रॉटल ट्विस्ट करेंगे और आपको एक अच्छा पिकअप देखने को मिल जाएगा। वहीं हाईवे पे जब ये ट्रांसलेट होता है आपको अच्छा रेव बैंड मिल जाता है, क्रूज आप आराम से कर सकते हैं। आज का जो मेरा सफर था काफ़ी हाईवे वाला था, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रोड्स आर रियली नाइस, आपको प्लेन स्ट्रेट रोड्स मिलेंगी और यहाँ पे मुझे जैसा लग रहा है कि 80 से 110 का जो स्पॉट है ये काफ़ी आराम से क्रूज कर सकती है, लंबे अरसे तक खींच के पकड़ के रख सकती है। यहाँ पे एक ऑयल कूलर दिया गया है, मुझे तो आज कोई दिक्कतें नहीं हुई है और कंपनी का भी बहुत ज़्यादा दावा है कि दिस हैज़ बीन ट्यून्ड ऑप्टिमाइज्ड हमारे कंडीशंस के लिए, एक्सट्रीम हीट वेदर में भी ये अच्छा काम करेगी। एक बार आप माइलेज टेस्ट देख लीजिए, हमने लगभग आज 200 किलोमीटर के करीब चला है, माइलेज टेस्ट फॉर यू गाइज। फुल टैंक कर दो, 140.5 एकदम तब तक भरते, बस ठीक है। 140.5 डिवाइडेड बाई 4.32, फर्स्ट सर्विसिंग के पहले 32.5।
अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे मेटल पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे टैंक की बात करें, टैंक के साइड में ये श्राउड्स दिए गए हैं, फेंडर्स दिए गए हैं, सारे के सारे मेटल में फिनिश किए गए हैं। तो लॉन्ग टर्म जब बात करते हैं वो प्लास्टिक रैटलिंग नॉइज आपको इस मोटरसाइकिल के साथ नहीं दिखेगा। वहीं जब राइडिंग एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो काफी अपराइट सा पोस्चर है, लगभग 803 मिलीमीटर का यहाँ पे सीट हाइट मिल जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस 175 मिलीमीटर का है और मेरी हाइट 5'7", मैं काफी अपराइट बैठ रहा हूँ। थोड़ा सा माइल्डली रियर सेट फुटपैक है कंपेयर टू द हार्ले X440, आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लगेगा लेकिन आप सीना चौड़ा करके हैंडल बार की ओर एक अपराइट पोजीशन होके बैठते हैं, आपको कमांडिंग सा व्यू दिख जाता है। कुछ आपको यहाँ पे एसेसरी मिल जाते हैं, आप पिलियन के लिए गार्ड ले सकते हैं, वाइजर छोटा सा ले सकते हैं, ऑक्सिलरी लाइट लगा सकते हैं, क्रैश गार्ड लगा सकते हैं, मतलब एक अच्छा बुके ऑफ एक्स्ट्रा एड ऑन आप हीरो के डीलरशिप से भी खरीद सकते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जाते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है एक TFT स्क्रीन के साथ। यहाँ पे टॉप मॉडल के साथ आपको कनेक्टिविटी वाले फीचर्स, eSIM बेस्ड फीचर्स भी मिल जाते हैं। आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, 320 मिलीमीटर का रोटर सामने की ओर दिया गया है, बाई ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ, हालांकि स्विचेबल फंक्शनैलिटी के साथ नहीं आता है ये ABS का सिस्टम। सामने की ओर आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं, 43 मिलीमीटर डायमीटर के दिए गए हैं फ्रंट फोक्स, और ये सेगमेंट में एक्चुअली दूसरे मोटरसाइकिल से ज़्यादा भारी भरकम है। और हार्ले में याद दिला दूं कीमत लगभग 50,000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आपको अपसाइड डाउन मिल जाते हैं, पीछे की ओर ट्विन कॉयल मिल जाएगा और ये सेगमेंट में काफ़ी कॉमन दिखाई पड़ता है। आपको यहाँ पे प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी वाला फंक्शन मिल जाता है। 6-speed गियरबॉक्स की बात करें तो रैपिड अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट में थोड़ा आपको लग सकता है कि प्रिसिशन की कमी है, लेकिन आप लेट बैक क्रूज करेंगे नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर। क्लच एक्शन भी काफ़ी लाइट है, हालांकि अगर क्लच लीवर एडजस्टेबल होता तो मुझे लगता है और सही इसके साथ जाता, थोड़ा ग्रिप ज़्यादा ही चौड़ा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे फ्रेम दिया गया है, दैट इज स्टील चली फ्रेम। हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में जितनी भी मोटरसाइकिल्स हाई एंड आई है, चाहे करिश्मा हो या X440, स्टील चली फ्रेम का इस्तेमाल कर रही है कंपनी, और इसकी जो हैंडलिंग है आई थिंक सेगमेंट में आप क्लासिक या फिर जावा से एनी डे बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17 इंच के यहाँ पे MRF Zapper टायर दिए गए हैं, एक्चुअली ये सबसे छोटे साइज है सेगमेंट में, क्लासिक का जो कॉम्बिनेशन है 17-19 मिल जाता है। मोस्टली एसिमेट्रिक आपको व्हील साइज दिख जाएगा, यहाँ पे व्हील इज 17 इंच, बेस में आपको ट्यूब टायर्स और मिड वेरिएंट से ट्यूबलेस टायर्स दिख जाएंगे, बेस वेरिएंट में आपको स्पोक रिम से काम चलाना पड़ेगा। जो इसका थ्रॉटलिंग है मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आपको राइड बाई वायर फंक्शनलिटी मिल जाता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज क्वाइट क्रिस्प। सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में फिनिश किया गया है, आप लो स्पीड में बंपर के ऊपर जाएंगे तो आपके जॉइंट्स को अच्छे से वो महसूस होगा। ब्रेक्स आई थिंक प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा ABS का इंट्रूशन नहीं है, लेकिन स्टॉपिंग पावर डिसेंट, आप ब्रेक्स को स्लैम भी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा, ओवरऑल मुझे ठीक ठाक लग रही है। फिट एंड फिनिश लेवल कहीं कहीं लग रहा है कि बेहतर हो सकता है, फॉर एग्जांपल सामने की ओर वायरिंग थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपोज है, वहीं पीछे की ओर जो सीट का फिनिश है, नो डाउट सीट की क्वालिटी अच्छी है, फोमिंग अच्छी है, लेकिन सीट और थोड़े बेहतर एस्थेटिकली फिनिश किया जा सकता था। जो ग्रैब रेल है इसे अच्छा मटेरियल है, लेकिन अगेन फिनिश वाइज बेटर हो सकता था। वैसे ही जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा अपस्वेप्ट हो सकता था। डिज़ाइन इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, एक नए डोमेन में हीरो घुसने की कोशिश कर रही है। पावर परफॉर्मेंस एक मॉडर्न क्लासिक जैसा है, एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, लेकिन डिज़ाइन लैंग्वेज एक न्यू रेट्रो मोटरसाइकिल, एक यामाहा की बाइक आती है 155 में FZX, बहुत हद तक उस डिज़ाइन लैंग्वेज पे बेस है, लेकिन साइजेबल मोटरसाइकिल है, आपको एक अच्छा डायमेंशन और प्रोपोर्शन ऑन रोड दिख जाएगा। अगर 2 लाख रुपये के ऊपर इस पर खर्च करते हैं आई गारंटी आपको किसी भी डायरेक्शन से छोटी नहीं फील होगी, जैसे हमने हाल ही में ट्रायम की मोटरसाइकिल के साथ देखा। स्पीड 400 माइट जस्ट लुक लिटिल क्रैम्ड, लेकिन यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, बट डिज़ाइन ओवरऑल इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। आप मुझे बताइए मॉडर्न क्लासिक वाला फील एक न्यू रेट्रो बाइक में कैसी लग रही है, लेकिन फॉर मी द इनिशियल इंप्रेशन इज़ गुड। परफॉर्मेंस के मामले में आपको अच्छा पावर पिकअप मिल जाएगा, हैंडलिंग भी दूसरे मोटरसाइकिल से मुझे बेहतर दिख रही है, आपको फीचर्स भी यहाँ पे कई सारे मिल जाते हैं फॉर द प्राइस हीरो इज आस्किंग फॉर, लेकिन डिज़ाइन इज क्वाइट अ सब्जेक्टिव बिट और काफ़ी इस पर चर्चा हो रही है ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन इंटरनेट। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हीरो मैवरिक 440, क्या हीरो अपनी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल भारी तादाद में बेच पाएगी या नहीं। शेयर योर कॉमेंट्स इन द बॉक्स बिलो।